स्पष्ट है, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की बद इंतजामी के कारण लाखों लोगों की मौतें हुई। ये मौतें नहीं, इस सरकार के द्वारा करी गई हत्या है। और जो FIR रेमडेसिविर के काला बाजारी करने वाले मंत्रियों पे होना चाहिए थी, जो FIR मध्य प्रदेश के एक विधायक को नकली रेमडेसिविर लगे, जो भारतीय जनता पार्टी के उनने कहा उसके खिलाफ जो दूसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, जो कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करने वालों के खिलाफ होनी थी, जो कार्रवाई हॉस्पिटल में जिन्होंने जनता को लूटने का काम किया है, आयुष्मान को नहीं चलाने का काम किया, उनके ऊपर होनी थी, और कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर होनी थी जिन्होंने गलत आंकड़े सरकार को दिए और जो सरकार लगातार गलत आंकड़े कोरोना में बता रही है। पर FIR किस पे हुई? जिन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर को ऑक्सीजन देने का काम किया, छिंदवाड़ा को देने का काम किया, इंदौर को देने का काम किया, उज्जैन को, जो जनता के मूल मुद्दों को उठाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता को, जो आप कोरोना के लाभ की बात करते हैं कि पहले आपने 1 करोड़ की घोषणा करी, फिर आपने 50 लाख की घोषणा करी, फिर 5 लाख की घोषणा करी, पर एक भी कोरोना वॉरियर्स को पैसे नहीं दिए गए। आज जब 1 लाख की घोषणा करी तो भी आंकड़ों की जो बाजीगरी करने का काम कर रहे, इसके खिलाफ हम FIR करने आए कि ये लाखों लोग मरे, आप सिर्फ कम बता रहे। और आपने जो पहले कहा था कि कोरोना सिर्फ एक सर्दी खांसी है जिसके कारण लोगों की मौतें हुई है, आपके ऊपर भ्रम फैलाने की FIR के लिए हम लोग यहाँ पे थाने पे आए।